आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वनवासी कल्याण आश्रम में राष्ट्रपति ने किया विद्यालय व छात्रावास का लोकार्पण। सीएम योगी ने दिया सोनभद्र को एक नए मेडिकल कॉलेज का तोहफा। कहा पीएम के कोविड प्रबंधन की वैश्विक मंच पर हो रही है तारीफ। किया अपील, आदिवासी छात्रों की शिक्षा में न आने दे रोना, सरकार उठाएगी पूरा खर्च। देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के ट्रेनिंग कमांडो मोहम्मद राशिद को एसटीएफ यूपी ने जनपद बस्ती में किया गिरफ्तार। बरामद किए पार्टी के फर्जी आपत्तिजनक अभिलेख। न्यू लोटस हॉस्पिटल में मरीजों से धन उगाही और बीआरडी मेडिकल कॉलेज गेट पर राजू मेडिकल स्टोर पर दवाओं के मूल्य की ओवर रेटिंग के मामले में सीएमओ ने किया टीम गठित। मांगा स्पष्टीकरण, कहा जांच में दोषी पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। मुरादाबाद में सपाइयों के द्वारा पत्रकारों पर हुए हमले पर बोले गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह। कहा पत्रकारों पर हमले की घटना है निंदनीय, हत्या के प्रयास जैसे धाराओं में दर्ज होना चाहिए मुकदमा। शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में आयोजित खेल महोत्सव के दूसरे दिन टेबल टेनिस बैडमिंटन खो खो प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतिभागियों ने किया अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। गोरखपुर नौतनवा आनंद नगर बरनी रूट पर तेज हुआ विद्युतीकरण का कार्य। सीपीआरओ ने कहा मार्च के अंतिम या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इन रूटों पर दौड़ने लगेगी इलेक्ट्रिक ट्रेनें। जिले के 79 केंद्रों पर किया गया मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का आयोजन। सीएमओ ने कहा स्वास्थ्य मेले में 4000 से अधिक मरीजों का हुआ इलाज। 360 बनाए गए गोल्डन कार्ड। 300 लोगों का हुआ कोरोना जांच। दवाओं के साथ सभी जांच हुए निःशुल्क। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों सहित नई कार्यकारिणी का संपन्न हुआ शपथ ग्रहण समारोह। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने दिलाया संविधान के प्रस्तावना का शपथ। गोरखपुर में रविवार को मिले 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,509। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 34 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जनपद इकाई के नए कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह एवं दवा व्यापारी सम्मेलन का हुआ आयोजन। प्रदेश के स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग के कैबिनेट मंत्री जय प्रताप सिंह ने दिलाई पद एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ। और राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग तथा संस्कार भारती के संयुक्त तत्वावधान में पूर्वांचल में क्रांति की ज्वाला विषय पर आयोजित कार्यशाला का हुआ समापन। प्रतिभागियों ने चित्रकला के माध्यम से प्रदर्शित की देश के वीरों की गाथा।